राजविंदर सिंह लाली तुसी देख रहे हो पंजाब 9 टीवी चैनल थोड़ा स्वागत है। अज आप किसान मोर्चे गल करते हैं जो इन्नी कड़ाके की धुप हैगी तो धुप के भी सड़क के बैठे ने जो काले कानून मोदी ने पास किए हुए हैं उन्होंने खिलाफ धरने दे रहे हैं तो सुनाम के ट्रेंट के सामने जो रोज़ धरना लग रहा है साल तो उपर हो गया फिर भी मतलब कि इन्नी धुप मीह नेरी वो भी डटे रहे हैं। अज आप गल करते हैं भी अगे की प्रोग्राम ने भी 8 तरीक का की प्रोग्राम प्रधान जी नाल गोविंद सिंह चट्ठे नाल गल करते हैं भी की कहने ने। हाँ जी जो मतलब कि 8 तरीक का प्रोग्राम है वो बस थोड़ा की कहना है जी 8 तरीक की प्रोग्राम 8 तरीक का प्रोग्राम है जोड़ा वो प्रोग्राम असी सरकार का विरोध करते हैं जोड़े पहला पेट्रोल डीजल जे महंगाई जी मतलब दूजिया वस्तों की महंगाई कितने बग गई कितने पहुँच गई असी वास्ते विरोध करने वास्ते असी जिहड़े साडे कोले साधन होणगे वो छड़कते खड़ावांगे कोई असी रास्ता ब्लॉक नहीं करना कोई ओह नहीं करना तो उदों बाद दे विच 12 बजे जो समाप्ति करांगे उदों हॉर्न भी बजावांगे। असी जिहड़े खाली सिलेंडरां की कीमत इन्नी वधाती वो खाली सिलेंडर लियावांगे जिहड़े वो भी बजावांगे क्यों ये करोना भजाउण पिछे ये कहिंदे थे भी थालियां खड़काओ मोदी साहब कहिंदे थे कोठियां दे चढ़ के थालियां खड़काओ ओए अन्या उल्लूआ किते थालियां नाल उही तुम बकवास करन वाले हो तुसी जिहड़े सानू मूर्ख बनाउंदे आए हो इन्ने सालों तो सानू 70 सालों तो 75 सालों तो मूर्ख बनाउंदे हो कदे थालियां नाल करोने भजे ने फिर वैक्सीना कदे खातर लियाउंदे हो जे तुसी थालियां नाल करोना भजा सकदे हो जां लाइटां नाल मोबाइलां दीआं नाल करोना भजा सकदे हो फिर तुसी सानू वैक्सीना मगर भजन की लोड़ ही नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर लैण की की लोड़ थी दुनिया मरवाती तुसी 5-7 लख रुपये तक 5-7 लख तो मौत गौरमेंट मानती है पर नहीं 50 लख दे नेड़े बंदा मरिया इंडिया दे विच जिहड़ा जग जाहर हो गया ये मोदी नू इहदे कन्न खोलण वास्ते असी खड़कावांगे हॉर्न भी बजावांगे असी जे मिले सानू भूप ने पित्तल जे बाजे वो भी बजावांगे भी इन्हां दे कन्न खुल जाण ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ 25-26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਜੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਅੱਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ 4 ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਮੰਗਰ 300 ਭੇਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਜੇ 40 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੰਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਰੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ
आज जिहड़ी कैप्टन ते मोदी सरकार है पंजाब दे विच कैप्टन सरकार है ते सेंटर दे विच जिहड़ी मोदी सरकार है ये हर फ्रंट तो फेल रही ने। जिवें कैप्टन साहब ने वोटां वेले बहुत वड्डे वादे कीते सी लोकां नाल घर घर नौकरी दा, तुसीं देख रहे हो जिन्हें टीचर ने जिन्हें बिजली कामे ने जिन्हें नरेगा वाले ने मिड डे मील वाले ने किसान ने ये सारे धरनिया दे बैठे ने। उही हाल मोदी सरकार दा है। मोदी सरकार कहिंदी थी मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, मैं 15-15 लाख रुपये खाते दे विच पा दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे विच देऊंगा। यह पिछले कोरोना दे काल दे विच ये सरकारां ने नाले तो लोगों नूं कुट्टिया नाले लुट्टिया, बहुत बड़ी बेरोजगारी है जिहड़ी इस साल दे विच आई है, क्योंकि कैप्टन और मोदी एक ही थैली दे चट्टे बट्टे ने, इन्हां ने देश नूं लुट के खा लिया। जिहड़ी किसानी अंदोलन पिछले 7.5 महीनों तो दिल्ली दी बरूहां ते चल रहा है, पंजाब दे विच साल हो गए चल रहा है, सरकार इन्हां नूं कुंभकर्णी नींद तो ठाण वास्ते हुण आने वाले टाइम दे विच 8 तरीक नूं डीजल ते पेट्रोल दी कीमतां नूं लेके उन्होंने सड़कों के उत्ते अपने वाहन खड़ाने ने, सिलेंडर लेके आने ने, सिलेंडर जिहड़ी गैस रसोई गैस की कीमतों ने वो तुसीं देख सकते हो, जिहड़ा पेट्रोल है वो 100 तो पार कर गया, डीजल नाल ही आके खड़ गया। उहदे ऐं किसानी मुद्दों नूं लेके असी आने वाली 22 तरीक नूं संसद का घराव करांगे ते 17 तरीक नूं जिहड़े लीडर ने जिन्हें भी पक्ष ते विपक्ष के लीडर ने उन्होंने असी ये मंग पत्र देवांगे या कुर्सी छड्डो या साड़ी हामी भरो साडा साथ दिओ। इहदे करके आने वाले टाइम दे विच इहे जिहड़े प्रोग्राम ने किसानी अंदोलन संयुक्त मोर्चे वालों नजिठे गए ने, आने वाले टाइम दे विच असी सरकार नूं होर इस संघर्ष नूं मजबूत करांगे।